और देश भर में खुले में शौच से मुक्ति के लिए बड़े बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकार के करोड़ों रुपए भी पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, लेकिन जिले में बैठे जिम्मेदार अधिकारी प्रधानमंत्री मोदी के इस मंसूबे को पलीता लगाने में जुटे हैं। रायबरेली से ये रिपोर्ट देखिए। रायबरेली के महाराजगंज ब्लॉक के राघवपुर में प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान की पोल खुलती हुई नजर आई है। पूरा मामला महाराजगंज ब्लॉक के राघवपुर ग्राम सभा के देवी खेड़ा गांव का है, जहां गांव में आधे से ज्यादा परिवारों को आज तक शौचालय तक नसीब नहीं हो सका है, जिसके चलते अभी भी लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। वहीं गांव वालों की माने तो अधिकारियों की मनमानी और लापरवाही के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा, जबकि इस गांव में लगभग 70% अनुसूचित जाति और 30% पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर भी हैं। इसी कारण घरों में शौचालय बनवाने में असमर्थ हैं। खुले में शौच जाने के कारण ग्रामीण बीमारी के चपेट में भी आ रहे हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने ऑनलाइन पोर्टल पर भी की, लेकिन सभी को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। हम लोग DM को दिया एप्लीकेशन, SDM को दिया, BDO को दिया और मुख्यमंत्री को तक का हम लोग एप्लीकेशन दिया जी, लेकिन पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। चल नहीं पाते हैं जी, दिक्कत पड़ती है, यही कारण से आपके हम शौचालय को दफे दरखास्त दिया, मानता नहीं हुई है। शौचालय की मांग करने वाले ये लोग भी प्रधानमंत्री की मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, उनके सपने को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन कुछ सरकारी नुमाइंदे इसे पूरा करने में रोड़ा बन रहे हैं। और वहीं जब इस पूरे मामले पर जब जिला अधिकारी नेहा शर्मा से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि बहुत ही गंभीर मामला है, जिसकी जांच करवाई जाएगी, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। भोपुर गांव है और वहां पर शौचालयों के निर्माण की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। अभी एक LOB जो लेफ्ट आउट बेनिफिशियरीज थे, उनके लिए एक बहुत सारा अभियान चल रहा है, उसमें धनराशि भी अंतरित की जा रही है। मुझे एक बार इस प्रकरण को भी गंभीरता से दिखाना पड़ेगा कि अगर LOB में कई लोग यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं तो उनके खातों में तक अभी तक धनराशि क्यों नहीं जा पाई है। ये कार्रवाई हम लोगों को 2 अक्टूबर तक पैसे पंचायती राज विभाग को सुनिश्चित करनी थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब 2 अक्टूबर भी इतना नजदीक है, देश के PM दिन रात एक कर देश को सुंदर और स्वच्छ बनाना चाहते हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, करोड़ों की योजनाएं भी बनाते हैं, तो फिर आखिर कर्मचारी क्यों इस देश को स्वच्छ और सुंदर बनाने में रोड़ा बन रहे हैं। इस गांव की हालात ये हैं कि यहां पर सैकड़ों परिवार हैं जो आज भी शौच के लिए खुले में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं से नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगाते अधिकारी जरूर दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जिला अधिकारी के संज्ञान में आने के बाद क्या इस गांव की स्थिति सुधर पाती है या हालात इसी तरह बने रहेंगे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ और सहयोगी शीतला के साथ असद खान, हिंदी खबर, रायबरेली। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।